श्रीमद होम रेमेडीज में आपके स्वागत है। और हम आपको चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य की 15 नीतियाँ बताएंगे, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे। देखिए, जो लोग आचार्य चाणक्य की नीतियाँ हमेशा ध्यान रखते हैं, वे मुसीबतों से हमेशा दूर रहते हैं। चाणक्य की नीतियों के कारण ही एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त अखंड भारत का सम्राट बना था। उस समय चाणक्य तक्षशिला में अर्थशास्त्र के आचार्य थे और वे कूटनीति में भी पारंगत थे। यहाँ हम आपको उनकी 15 नीतियाँ बताएंगे जो आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। जो स्त्री पराए घर में रहती है, जो पेड़ नदी के किनारे रहते हैं और जो राजा मंत्री नहीं रखता हो, ये तीनों ही बहुत जल्द नष्ट हो जाते हैं। राजा के सेन से आज जो हमारे बड़े बड़े पैसे वाले हैं, फिर द्वारपाल, नौकर, राहगीर, भूखा व्यक्ति, भंडारी, विद्यार्थी और डरे हुए व्यक्ति को नींद में से तुरंत उठा देना चाहिए। अगर द्वारपाल सो गया तो चोरी होगी, नौकर अगर हमेशा नींद में रहता है तो काम नहीं करेगा, भूखा व्यक्ति अगर सोया है तो उसे बहुत कष्ट होगा, विद्यार्थी अगर सोएगा तो अपने वक्त की बर्बादी करेगा और डरे हुए व्यक्ति को अगर आप नींद से नहीं जगाओगे तो हो सकता है हार्ट अटैक आ जाए। किसी भी राजा की शक्ति उसके स्वयं की बाहुबल है। ब्राह्मणों की ताकत उनका ज्ञान होता है और स्त्रियों की ताकत उनका सौंदर्य, उनका यौवन और उनकी मीठी वाणी होती है। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कुमारी कन्या, वृद्ध और बालक, इन सातों को कभी भी हमारे पैर नहीं लगना चाहिए। ये सब हमारे आदरणीय हैं, सब लक्ष्मी स्वरूपा हैं। प्रजा द्वारा किया गया पाप का फल राजा को मिलता है, राजा द्वारा किया गया पाप का फल राजपुरोहित को मिलता है, शिष्य द्वारा किए गए पाप का फल गुरु को मिलता है और स्त्री द्वारा किए गए पाप का फल पति को मिलता है। सोचने वाली बात है, आप इसकी गहराई से सोचिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आप आक्रमण करके उसको नष्ट कर दीजिए, नहीं तो भय आपको नष्ट कर देगा। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपके अनुभूति आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है जहां भगवान वास करते हैं, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। कभी भी अपनी राज की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। सभी कष्टों से बड़ा कष्ट पता है क्या होता है? पराए घर में रहना। पराए घर में कभी नहीं रहना चाहिए। जो बातें बीत गई हों उसे बीत जाने दीजिए, उसे याद करके कोई फायदा नहीं। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया तो उसकी चिंता नहीं करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को संवारना चाहिए। ऐसा धन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद मिलता है या अपना धर्म ईमान सब छोड़ने के बाद मिलता है या दुश्मनों की चापलूसी करने से मिलता है, तो ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। कहने का मतलब है कि यदि आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर व्यक्ति को अपनी कमज़ोरी व्यक्त नहीं करनी चाहिए, उसे हमेशा अपने आप को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए, नहीं तो लोग उसे दबाना शुरू कर देंगे। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर छिपा होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ न छिपे हों, यह कटु सत्य है। लेकिन सत्य यही है, किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, खास करके आजकल युग में। अगर आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हो गए तो प्रॉब्लम है। जंगल में सीधे तने वाले पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। भाई बंधुओं की परख संकट में होता है और जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होता है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।